हेलो फ्रेंड, दिस इज शैलेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड लाइब्रेरी। इफ यू नीड अ चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नोटिफाइड फर्स्ट व्हेन वी अपलोड आवर न्यू वीडियोस। सो वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं कोई शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ द कीबोर्ड जो कोडिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं हम लोग कीबोर्ड कोडिंग में यूज़ करते हैं, ये शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ कीबोर्ड। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो, जो लोग जिन लोगों को पता नहीं है हमारे चैनल के बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग हर वीकली बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं और साथ साथ 450 क्वेश्चंस है जो DSA का हम लोग करते रहते हैं, और दो दो क्वेश्चन हर दिन आते रहता है, वो भी आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जो नए यूज़र्स हैं जिन्हें नहीं पता है हमारे चैनल के बारे में। ओके, और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग को पहला चार तो आई थिंक पता होगा, बेसिक सा है शॉर्टकट्स। पहला है कॉपी, कंट्रोल सी, वो पता होगा आप लोगों को। कंट्रोल एक्स कट के लिए आता है, कि कोई टेक्स्ट को कट करना है आप लोगों को ये पता होगा। कंट्रोल भी पेस्ट के लिए होता है, तो बेसिक सा ही सबको पता होगा इसके बारे में। ओके, तो चलते सेलेक्ट ऑल। तो कंट्रोल से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल बेसिकली, अगर आप मान लीजिए यहाँ कोई कोड वर्ड लिख के रखे हो, ठीक है, आप दबा क्लिक करोगे कंट्रोल ए तो पूरा सेलेक्ट हो गया आपका, ऊपर से पूरा नीचे तक, ठीक है। एक शॉर्टकट ट्रिक्स है, मे बी यहाँ बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत लोगों को पता होगा, पर ये भी हो सकता है जो बिगिनर्स हैं उन लोगों को पता नहीं होगा। तो यहाँ बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो आई थिंक बहुत लोगों को भी नहीं पता होगा, तो आप देख लीजिए, थोड़ा सही रहेगा आप लोग के लिए। ओके, अगर आपको कमेंट्स करना है तो कंट्रोल प्लस स्लैश, जैसे मान लीजिए आपको ये पूरा एक फॉर लूप पूरा कमेंट करना है आप लोग को, तो एक बार में कंट्रोल स्लैश क्लिक करिए तो आपका एक बार में पूरा कमेंट हो गया। ये नहीं कि आप एक एक लाइन करके आप कमेंट करो, फिर इसको क्लिक करोगे कंट्रोल स्लैश अनकमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये काम करता है। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट टैब, मतलब रिमूव करना है आपको कोई टैब को। ओके, तो जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे आप यहाँ पर इस पर टैब आप क्लिक करके रख दिए, इतना टैब दे दिया आपने, आपको ये पूरा कोड को पीछे वापस यहाँ पर अलाइन करना है। ओके, बहुत बार होता है आगे चला जाता है, तो बहुत लोग एक एक लाइन करके बैक 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 लेके जाते हैं, पर नहीं, हमें हम क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्लस टैब क्लिक 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 चला जाएगा पीछे वापस, ठीक है। ये बहुत लोगों को नहीं पता था। अब आते सेलेक्टिंग पर्टिकुलर वर्ड, तो कंट्रोल प्लस डी है इसका शॉर्टकट। ओके, जैसे मान लीजिए आप कहीं से कॉपी करके लाए कोई कोड, आपको वेरिएबल चेंज करना है, या मान लीजिए आपको इंट, सारे इंट को लॉन्ग लॉन्ग करना है आप लोग को, ठीक है, तो क्या करोगे, पहले वाले इंट को आप डबल टैप किया आपने और फिर कंट्रोल प्लस डी, बस क्लिक 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 क्लिक, तो एक बार में सब सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, लॉन्ग लॉन्ग इंट करना है आपको, लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो एक बार में देखिए सब आप लिखा गया लॉन्ग लॉन्ग इंट, एक बार में सब लिखा गया, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है यहाँ पर, वो आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस डी। अब आते कॉपी पेस्ट बंच ऑफ सेंटेंस, तो इसका क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। मान लीजिए आप ये फॉर लूप को आपको और पेस्ट करना है नीचे, तो आपने इसे सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट डी, देखिए कॉपी हो गया, कंट्रोल शिफ्ट डी दूसरा बार कॉपी हो गया। आप लोगों को कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी नहीं करना पड़ा, ये कंट्रोल शिफ्ट डी करो, एक बार में सब कॉपी कॉपी होते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मूविंग सेंटेंस अप और डाउन, तो यहाँ क्या करना है हम लोगों को, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो या डाउन एरो। समझ लीजिए आप लोग कहिए कि ये दो लाइन का फॉर लूप है, आपको इस फॉर लूप के नीचे लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कंट्रोल एक्स करोगे फिर नीचे पेस्ट करोगे। क्यों करूँ मैं वैसा, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो दबा दो आप, तो इसको सेलेक्ट किया हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, आई मीन टक 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 चला गया एक बार में, उससे नीचे आ गया पूरा एक बार में, आप लोग कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, वापस उसको लेके जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ऊपर 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 चला गया एक बार में अपना पोजीशन वापस। ये एक शॉर्टकट ट्रिक हुआ। फिर एक है सिलेक्टिंग फास्ट, आपको जल्दी जल्दी सिलेक्ट करना है, क्या करोगे आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट लेफ्ट एरो। जैसे मान लो आप ये फॉर लूप के सामने हो, ठीक है, आप लोग को पूरा फॉर लूप सेलेक्ट करना है तो फटाफट करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट, अब देखिए लेफ्ट राइट एरो में क्लिक करूंगा, एक बार में फॉर हो गया, एक बार में इंट हो गया, एक बार में आई हो गया, देखिए फास्ट फास्ट सेलेक्ट हुआ। ओके, और वही अगर आपको ये करना है सेलेक्टिंग स्लो, मतलब उसमें सिर्फ कंट्रोल मत लगाओ, सिर्फ शिफ्ट प्लस राइट लेफ्ट एरो क्लिक करते जाओ, तो वही देखिए शिफ्ट शिफ्ट में क्लिक किया, अब देखिए एक एक कैरेक्टर करके रीड कर रहा है, बेसिकली क्या सेलेक्ट कर रहा है, एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट हो रहा है, देख रहा हो एक एक करके सेलेक्ट कर रहा है। तो वही अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट करूंगा, एक बार में फॉर, एक बार में इंट, एक बार में आई, पूरा एक बार होता जाएगा। ओके, और एक इसमें और एक ट्रिक भी है सेलेक्टिंग मल्टीपल लाइन्स, आपको सेलेक्ट करना है, आपको माउस को हटा के करना है, सिंपली शिफ्ट प्लस डाउन एरो। ऐसे माउस से तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लिया आपने, आपको माउस के हेल्प से नहीं करना है, सिंपल कीबोर्ड से करना है, तो शिफ्ट प्लस डाउन, देखिए एक बार में पूरा सेलेक्ट हो गया आपका, पूरा सेलेक्ट हो गया एक बार में। ओके, ये हुआ शॉर्टकट ट्रिक।
अब जैसे आइए आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है तो आई थिंक ये पता होगा बंदों को, सिंपली सा कंट्रोल प्लस एन क्लिक करो, आपका न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा। आपको जाके यहाँ से फाइल में जाके न्यू फाइल नहीं करना पड़ेगा आपको। ओके ये हुआ। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी बहुत लोगों को नहीं पता इसके बारे में, ये तीन के बारे में। ऐसे मान लीजिए आप बहुत सारा टैब यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन खोल के रखे हो और आपको पूरा क्लीन डेस्कटॉप चाहिए, आपको पूरा फिर से फ्रेश चाहिए एक डेस्कटॉप, ठीक है? तो आपको एक नया डेस्कटॉप बना सकते हो। कैसे? कंट्रोल प्लस विंडो प्लस डी। तो क्या करो, कंट्रोल प्लस विंडो प्लस डी, देखिए आपका पूरा फ्रेश डेस्कटॉप बन गया आपका। देखिए यहाँ कुछ नहीं खुला हुआ है आपका, ना ही सबलाइन खुला है, ना ही आपका क्रोम खुला हुआ है। और आपको लेके चलते वापस से वहाँ, तो आपको स्विच करना। देखिए मैं बेसिकली दो डेस्कटॉप में स्विच कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मेरा ये क्या बोलते हैं, सबलाइम खुला हुआ है, आपका ये खुला हुआ है, क्रोम खुला हुआ है, बट मैं उस डेस्कटॉप पे जाऊँगा मेरा सब बंद है, वहाँ कुछ नहीं खुला हुआ है मेरा। तो स्विच कैसे करते हैं दोनों डेस्कटॉप के बीच में? कंट्रोल प्लस विंडो प्लस लेफ्ट या राइट एरो क्लिक कर दो आप। तो कंट्रोल प्लस विंडो प्लस राइट किया तो ये यहाँ स्विच हुआ, लेफ्ट किया मैंने यहाँ स्विच हुआ मैंने। ओके तो ये स्विचिंग का पार्ट हुआ। अब आते रिमूव। अब आप ऐसे वहाँ क्रिएट तो कर दिया, आपको वो वाला रिमूव करना है आपको, वो वाला डेस्कटॉप को, ठीक है? तो कंट्रोल प्लस विंडो प्लस F4 क्लिक कर दो। जैसे मैं वहाँ गया, अब मुझे रिमूव करना है, तो कंट्रोल प्लस विंडो प्लस F4, वो रिमूव हो गया। अब देखिए आप कंट्रोल विंडो लेफ्ट राइट करोगे तो आप नहीं स्विच हो पाओगे, क्यों? आप वो डेस्कटॉप हट गया वहाँ से पूरा पूरा। ओके ये बहुत नया फीचर है, आप देख सकते हो। अब आते एडिशनल शॉर्टकट। हो सके आप इसको स्किप कर सकते हो, पर देखो सही रहेगा एडिशनल शॉर्टकट से। यहाँ पर ऐसे आप क्रोम पे आते हैं न्यू टैब, तो कंट्रोल टी से खुलता है न्यू टैब। जैसे यहाँ पर आए, मैं बंद करता हूँ एक बार, कंट्रोल टी क्लिक करोगे आप तो पूरा पूरा न्यू टैब खुल जाएगा। ओके वही। अब आते हैं रिमूव टैब। आपको टैब रिमूव करना है, पहले मैं यहाँ कोड शेफ खोल के रख देता हूँ एक बार। आपको ये टैब रिमूव करना है, तो कंट्रोल प्लस W, तो आपका टैब रिमूव पूरा हो गया। ओके अब आपको जो टैब आपने बंद किया उसको आपको रीस्टोर करना है, वापस से लेके आना कि आप भूल गए मैंने क्या बंद किया था। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, वो टैब वापस आ जाएगा आपका, सेम टैब जो आपने अभी क्लोज किया था। ओके वैसे ही अगर आप मान लीजिए यहाँ खोला आपने और एक कोड शेफ खोल दिया या और एक कोड फोर्सेस खोल कर रख दिया आपने। ओके तो मान लीजिए आप एक बार में 1, 2, 3 टैब बंद कर दिया, अब लगातार आप तीनों को खोल सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी, आपका सब खुल गया एक बार में। ओके ये बहुत सही चीज़ था यहाँ पर। अब आते हैं हिस्ट्री पेज में। आप हिस्ट्री पेज कैसे देखोगे इसका? आप कंट्रोल प्लस एच करो, आपको हिस्ट्री पेज दिख जाएगा। ओके फिर कंट्रोल जैसे आपको डाउनलोड पेज दिख जाएगा, वो सिंपल होकर के नहीं दिखा रहा हूँ। अब आते क्रोम डेवलपर टूल्स, आपको कैसे खोलना है? या तो सिंपल आप F12 क्लिक कर दो या फिर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई कर दो। क्या मैंने आई नहीं दिया, तो यहाँ जाओ सिंपली F12 क्लिक करो तो एक बार में खुल गया आपका क्रोम डेवलपर टूल, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई करो तो आपका एक बार में खुल जाएगा कंट्रोल डेवलपर क्रोम डेवलपर टूल्स। ओके अब आपको पूरा चीज़ मिनिमाइज़ करना है। जैसे आप इतना चीज़ खोल कर रखे हो, ये खुला हुआ, ये खुला, आपको मिनिमाइज़ करना है। तो आप क्या करोगे, एक बार ये क्लिक किए, ये क्लिक किए, दो बार करके आप मिनिमाइज़ किए, बट आपको सबको एक बार में करना है। तो सिंपली विंडो प्लस जी करोगे आपके एक बार सब मिनिमाइज़ हो जाएगा। ओके अब आते हैं ओपन एक्सप्लोरर। आपको खोलना है फाइल एक्सप्लोरर, तो सिंपली विन प्लस विंडो प्लस ई क्लिक कर दो, आपका एक्सप्लोरर खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेटिंग्स खोलना है, तो विंडो प्लस आई क्लिक कर दो तो आपका सेटिंग्स खुल जाएगा। और आपको अगर नोटिफिकेशन टैब खोलना है, ठीक है, तो विंडो प्लस ए क्लिक करो, साइड से नोटिफिकेशन टैब खुल जाएगा आपका। फिर आपको स्क्रीन लॉक करना है, तो विंडो प्लस एल क्लिक करना होगा आपको। मैं ये करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये करूँगा तो फिर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। ओके तो विंडो प्लस एल से आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा सिंपली सा। और आपको अगर स्विच ऐप्स करना है, जैसे आप यहाँ क्रोम है, यहाँ पर सबलाइन खुला है, आपको स्विच करना है उसमें, तो ऑल्ट प्लस टैब, देखिए आप यहाँ से आराम से स्विच कर सकते हो। ओके तो यहाँ स्विच किया मैंने, यहाँ स्विच किया मैंने, अब स्विच टैब्स करना है। जैसे आप यहाँ तो खुल गए, अब मुझे स्विच करना है, माउस को छोड़ के सिंपली कंट्रोल प्लस टैब करो, देखो आप आराम से स्विच कर पा रहे हो सब में, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, आराम से स्विच कर पा रहे हो। तो ये है। और एक मैं यहाँ छोड़ दिया, जैसे कि आपको ये है, आपको फुल स्क्रीन करना है, सिंपली आप F11 क्लिक करो, देखिए आपका फुल स्क्रीन हो गया पूरा पूरा। आप यहाँ पर ये खोल के रखे हो, आपको फुल स्क्रीन करना है, देखिए आपको ऊपर का दिख रहा है सब कुछ, टैब, ये लिंक विंक सब दिख रहा है, आपको ये हटाना है, पूरा फुल स्क्रीन करना है। F11 क्लिक करो, पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा आपका, वापस क्लिक करो हट जाएगा। तो मैं वो लगाना भूल गया, 30 नंबर लगा देता हूँ, फुल स्क्रीन। ओके सिंपल सा F11 क्लिक करो, हो जाएगा आपका। ओके तो बस ये सारा शॉर्टकट्स था, होपफुली आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ओके तो कोडिंग के लिए ये सिंपल 16 तक ही था, और बाकी आगे के एडिशनल शॉर्टकट्स हैं। आपको अच्छा लगे तो सही बात है, बहुत देखो वीडियो। ओके तो होपफुली आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है? जैसा आपको लगे कमेंट में बताओ कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय बाय।